हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिया फूड पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं हरा नमक, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली हैं 6 से 8 लहसुन की कलियाँ। इसके साथ ही हमने लिए हैं यहाँ पर 4 हरी मिर्च। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच जीरा। इसके साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है हरा धनिया। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है खड़ा नमक, जिसको हम टोरा वाला नमक कहते हैं बुंदेलखंड लैंग्वेज में। इसके साथ ही हमने यहाँ पर लिया है सादा सफ़ेद नमक, जो हमारे घरों में मोस्टली यूज होता है। तो दोस्तों, हरा नमक बनाने के लिए हमें सिर्फ यही चीज़ें चाहिए थी। हरा नमक हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। डॉक्टरों का भी ये मानना है कि हमें अपने हेल्थ में जो खड़ा नमक है वो ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप भी खड़े नमक से ये हरा वाला नमक बनाकर तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सिल और बटना। सबसे पहले हम सिल में डालेंगे नमक। तो हम यहाँ पर खड़े नमक से बना रहे हैं। आप चाहें तो आप जो सादा नमक पिसा हुआ है उससे भी बना सकते हैं, उससे मेहनत आपको थोड़ी कम लगेगी। बट अगर हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप खड़े नमक का ही यूज करें। हम इसको धीरे धीरे करके कूट लेंगे थोड़ा सा, जिससे ये थोड़ा सा महीन हो जाए। टूट गया है, हल्का सा महीन हो गया। अब हम इसे पीस लेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी दोस्तों, बट अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो हम इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं अपने लिए। दोस्तों, नमक जो है पिस गया है। अब इसमें डालेंगे जीरा और जीरे को भी हम पीस लेंगे। ये नमक हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। डॉक्टर देख सकते हैं, जीरा पिस गया है। अब इसमें डालेंगे हरी धनिया और इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। इस नमक को हम पराठे के साथ, पूड़ी के साथ बढ़िया खाएंगे तो वो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हम तो बचपन से ही इस नमक को खाते चले आ रहे हैं। ये धनिया जो है पिस चुकी है, आप देख सकते हैं, हमने इसको पूरे नमक में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने खाने में हरे नमक का ही यूज करें, क्योंकि आप भी अपने आप को फिट रखना ही चाहते होंगे। हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां और इनको भी हम अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद पूरे नमक में इनको अच्छे से मिला देंगे। जब आप पीस रहे होंगे ना, उसमें आपको इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना कि आपको समझ आ जाएगा हाँ कि ये नमक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। तो दोस्तों, हमने पीस लिया है नमक को, हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमारा नमक जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, हरा नमक। हमने इसमें खड़े नमक का यूज किया था। आप चाहें तो पिसे हुए नमक का भी यूज करके इस नमक को बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।